नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके मीडिया फेसबुक लाइव। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सुबह 8 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉलेशन किया जा रहा है, और ये कोई पहली बात नहीं है कि आज ही सीज फायर का वॉलेशन हुआ हो। हर दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉलेशन किया जाता है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। सीधे तौर पर पुंछ चलेंगे अपने संवाददाता के पास। हमारे संवाददाता पुंछ से जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त की क्या स्थिति है। इस वक्त गोलाबारी का सिलसिला जरूर रुका हुआ है, मगर आज सुबह जिस तरह 8 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाते हुए गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें मार्टर शेलिंग एक बार फिर दोबारा की गई, जिसमें मनकोट सेक्टर और बलनौई सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार मार्टर शेलिंग की गई है, जिसमें एक बार फिर लोगों में काफी डर और खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बार पाकिस्तान फिर दोबारा शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है, जिसमें हमने देखा भी है कि दो दिन पहले एक आम शहरी नशारा में राम स्वरूप नामी शख्स एक जख्मी भी हुआ था। और आज पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने का काम शुरू किया, जिसमें सुबह नशारा में और पुंछ के कृष्ण घाटी सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से मार्टार गोले इस्तेमाल किए गए, जिस लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर हम बात करें पिछले एक महीने से, तो एक महीने के बीच में तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह इसको जवाब दिया गया, कड़ा जवाब दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी देखने को मिली। लेकिन जमशेद, एक और बड़ी बात यह है कि अभी जब मैच चल रहा था न्यूजीलैंड और भारत का, और जिस तरह से भारत वहां पर मैच हारता है, उसके आधे घंटे के बाद लगातार वॉलेशन वहां पर किया गया, हथियारों से लगातार गोलाबारी वहां पर की गई, तो आज की क्या सूरत हाल है? और आम जनता की अगर हम बात करें, जो कृष्णा घाटी सेक्टर की आज बात बताई जा रही है, क्या रिहायशी इलाका है जहां पर मोर्टार शेलिंग की जा रही है? बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका ही है, मनकोट और बलनौई, ये पूरा एक रिहायशी इलाका है। और देख के पिछले दो या तीन सालों से लगातार रिहायशी इलाकों को ही ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले अगर लास्ट ईयर की हम बात करें, तो इसमें आम शहरी भी हलाक हुए थे, हमारे जवान भी शहीद हुए थे, और इसके बाद अगर हम देखें तो कल भी, परसों भी पाकिस्तान की तरफ से निशारा के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें राम स्वरूप नामी एक आदमी जख्मी भी हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले तीन या चार सालों से रिहायशी इलाकों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, और हालांकि सेना पाकिस्तान को हर बार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती इलाकों में अपनी दहशत फैलाए हुए है, और लोगों में भी काफी अब डर देखने को मिल रहा है। दूसरी जानब अगर हम लोगों की हम बात करें, तो क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोग जो है, ये किसान लोग हैं, इनके साल में एक ही फसल तैयार होती है, इन दोनों ये किसान अपने खेतों में नजर आते हैं, और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किए जाना इन लोगों के काफी परेशानी का सबब बनता है। और क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों को वहां पर निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी का समय है, अपनी फसल को काटना है, कोई बुआई का टाइम है, लेकिन इस तरीके से अगर सीजफायर का वॉलेशन चलता है, तो लगातार किसानों को कई खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है? ये किसानों को मैं जितना पहले भी ये बात बता रहा हूँ कि पिछले चार पाकिस्तान के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे उसमें इनकी जान हो या माल हो या इनके खेत खलियान हो, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, जब फसल कटाई का टाइम शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने उसी वक्त गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें लोगों को काफी नुकसान पहुंचा, और इन दिनों बोनाई का दौर शुरू है और लोग अपने खेतों में नजर आते हैं, इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान को हर बार मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाता है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और हमने पिछली बार जब इन इलाकों का दौरा भी किया, तो इन लोगों का ये कहना था कि पिछले कई वर्षों से ये लोग पाकिस्तान की गोलाबारी से बुरी तरह मुतासर हुए, और इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ एक ही बार कहा जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान इसके बाद इस तरह की दोबारा नापाक हरकत ना करे, मगर पाकिस्तान के सुधरने का नाम नहीं लेता। क्योंकि दूसरी जानब अगर लोगों में एक चीज देखने को मिलती है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कई बार बयान आते हैं कि बातचीत से मसले हल करेंगे और अमन की बातें करते हैं, जब भी पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात का कोई पैगाम आता है, उसी दौरान पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार ही जारी, और आज सुबह भी लोग खेतों में ही पहुंचे थे, तो इसी दौरान पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग का सिलसिला जो इन इलाकों में शुरू किया, और जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को इसी की भाषा में, तो उसके तकरीबन एक घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला थम गया, मगर अभी भी बीच बीच में पाकिस्तान कहने का मतलब ये है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि काफी
काफी ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है और पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीजफायर का वॉल्यूशन किया जाता है तो आए दिन किसानों को वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त या तो फिर बुआई का समय है या फिर कटाई का समय है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वॉल्यूशन बार बार किया जाता है तो बहुत ज्यादा खामियाजा जो है वो किसानों को भुगतना पड़ सकता है। और एक और बात जमशेद ने यह भी कही कि आम शहरी भी इसमें घायल हुए थे। पिछले दिनों जब सीज फायर का वॉल्यूशन किया गया था तो आम शहरी भी इसमें घायल हुए हैं, उनकी वजह से लगातार सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान की बात की जाए तो वो बात करने की बात कहते हैं कि टेबल टॉक किया जाए, और रियासत में भी हमारी यही बातें सामने आती हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, वो सब ये कहते हैं कि बातचीत से मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बातचीत करने का जब माहौल एक बनाया जाता है तो दूसरी तरफ से आप सीजफायर का वॉल्यूशन करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ से प्रधानमंत्री सीजफायर वॉल्यूशन की बात करता है और दूसरी तरफ से सेना जो है वो लगातार सीजफायर का वॉल्यूशन करती है। एक तरफ आप बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सीजफायर का वॉल्यूशन करते हैं, तो या तो ऐसा है कि आपके कंट्रोल में आपकी सेना नहीं है या फिर आपकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि इमरान खान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सिक्का आईएसआई और सेना का वहां पर चलता है लगातार। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी की भी हम बात करें तो तख्ता पलट वहां पर होने में 2 सेकंड नहीं लगते हैं कि अगर आईएसआई और सेना एकजुट हो जाए, अगर वो चाहे तो तख्ता पलट भी हो सकता है। तो सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त कठपुतली बने हुए हैं, वो एक तरफ बातचीत करने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से सेना जो है वो सीजफायर का वॉल्यूशन कर देती है। तो इसमें सही कौन है ये भी बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि आप बातचीत करना चाहते हैं तो सिर्फ बातचीत करिए, ना कि सीजफायर का वॉल्यूशन, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब भारत ने मैच हारा है तो उसके बाद भी लगातार आपने सीजफायर का वॉल्यूशन किया है और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब देने के बावजूद भी आप का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो आप अपने घर में बैठकर ये सलाह मशवरा करें कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप बातचीत चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत होनी चाहिए, ना कि आप एक तरफ बात करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ से सीजफायर का वॉल्यूशन भी करते हैं। इस हालात में बातचीत होना नामुमकिन है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको पहले सीजफायर वॉल्यूशन को रोकना होगा, फिर आप टेबल पर आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस पर आपको सबसे पहले सेना के साथ बातचीत करनी है, आईएसआई के साथ बातचीत करनी है कि क्या आप भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो आपको बात करना बहुत जरूरी है। और बात ऐसे नहीं हो सकती कि आप सामने से बात करते हैं और पीठ पर खंजर भोंक देते हैं, ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखने को भी मिलता है। हमेशा ही पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया है, क्योंकि सामने से वार करने की उसकी औकात नहीं है, इसकी वजह से वो बार बार पीठ पर वार करता है। फिलहाल जेके मीडिया फेसबुक लाइव में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।